Please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, Minded Talks पे आप सबका स्वागत है. आज हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, जो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, बट अभी उनका नया प्रोफेशन सिंगिंग है. और आप सबने उनका एक नया गाना सुना होगा, चांद बालियां. डॉक्टर आदित्य अग्रवाल ने MBBS किया था, फिर MD पैथोलॉजी की. उनका एक पैथोलॉजी क्लिनिक भी है गुड़गांव के अंदर, शायद लाइफ ट्री हेल्थ केयर के नाम से. मैम भी डॉक्टर हैं और सर डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो सर, ये सारी डॉक्टरी से आज चांद बालियां तक कैसे पहुंचे सर? थोड़ा जर्नी के ऊपर बता पाएंगे सर? या सो आई वाज बोर्न इन अ डॉक्टर फैमिली. तो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे, सो बाय डिफॉल्ट मुझे लाइक डॉक्टर तो बनना ही था. तो बट कॉलेज से पहले ही मुझे थोड़ा म्यूजिक का शौक था, काफी शौक था मतलब. सो आई यूज्ड टू सिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स और वो सब. तो कॉलेज जाके मैंने थोड़ी ट्रेनिंग वेनिंग स्टार्ट की अपनी, इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल. तो वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन गया. सो वहां से फिर वो म्यूजिक वाली जर्नी साथ साथ चलती रही मेरे, एंड दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ. सर, जितने भी आपके गाने सुने उसमें मेनली इंस्पिरेशन मैडम रही है. तो ये लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? और इंस्पिरेशन वो स्टार्टिंग से ही थी या फिर मतलब अभी जब गाने लिखने स्टार्ट करे तब वो इंस्पिरेशन बनी? नहीं, वो मेरी लव मैरिज थी एक्चुअली. लाइक आई वाज डूइंग माय एमडी इन पैथ एंड शी वाज डूइंग हर एमबीबीएस. तो वहीं प्रैक्टिकल्स में मैं आई वाज अ टेबल टीचर, तो वहां पे वी मेट एंड वैसा सीन था मतलब. तो बट हाँ, म्यूजिक ऐसा नहीं है कि सारे गाने मैडम पे हैं, बट इफ यू जो मेरे पॉपुलर ज्यादा है वो सारे लाइक दे आर पार्शियली इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ, ऐसा कह सकते हो आप. सो आदित्य सर, आज मैंने लोगों को बताया कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं, तो मैंने पूछा लोगों से कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछे. तो का क्वेश्चन था कि आप ऑर्नामेंट्स को इतना अपने लिरिक्स में यूज करते हैं, सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? मतलब ये इंस्पिरेशन भी ऑब्वियसली मैम से ही आया होगा, बट यू टेल अस योर स्टोरी. एक्चुअली ऐसा नहीं है, मतलब मेरे दो गाने हैं इफ यू से, एक चांद बालियां और एक राइट वाली पायल, इन दोनों में ऑर्नामेंट्स हैं. And obviously ornaments are something beautiful that everybody wants, like matlab obviously women they like ornaments that because they are beautiful. So obviously unke around gana, ek romantic gana banana thoda sa natural sa hota hai. And to bas, lekin aisa koi mera wo intentional wo nahi hai. And if you see, I've done around 25 songs, inme se do hi ornaments pe hai sirf, and the rest of it is not okay. Whenever we hear your lyrics, तो ऐसा होता है कि आप मतलब यूथ को कनेक्ट करने वाले ऐसे लिरिक्स होते हैं. और जैसे राइट वाली पायल, तो मतलब when I first you know I went through this song, तो मुझे लगा कि अब next क्या होगा. So एक thought kind of होती है जो कि music के form में आप present करते हैं. So it's intentional that you tell a story or it's your style? No, I don't. Actually, जो process of music making या writing है, it is not pre-planned. वो मैं बस when I'm doing it, तो I let the you know the words and the notes they I let them take me wherever they're going. मैं कुछ ज़्यादा tightly वैसा plan नहीं करता हूँ. But हाँ ठीक है, अगर कुछ मुझे when during writing मुझे कुछ लग रहा है कि अच्छी story बन रही है या कुछ, तो I try to do justice to that. But हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो discard करनी पड़ती हैं. Like if you see, अगर 25 गाने रिलीज हुए तो उनमें से आई थिंक टोटल 100 बने होंगे, तब 25 रिलीज हुए होंगे. सो ऐसा होता है. सर लिरिक्स के ऊपर ही सर, चांद बालियां और एक एक आपका मार्केट का गाना है करके सर, लाजपत नगर. तो सर, मेरे को जो मैं बार बार गाने सुन रहा था सर, मुझे ये लगा कि आम पब्लिक ये वर्ड से कनेक्ट कर पा रही है, डायरेक्टली समझ पा रही है, इसलिए बहुत ज्यादा वो रिलेट कर पा रही है, इसलिए वो कनेक्ट कर पाई सारी यूज. सर आपको भी ऐसा रिस्पांस मिला क्या सर? आई थिंक मेरे को लोग काफी कह रहे हैं दैट दे आर द सॉन्ग्स आर रिलेटेबल एंड द लिरिक्स आर वेरी रिलेटेबल. बट मेरा जो इंटेंशन रहता है वो ये है कि फर्स्ट आई शुड रिलेट टू द सॉन्ग, तभी मेरे को, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो और किसी को अच्छा नहीं लगेगा वो. सो अब मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है मैं उसी से इंस्पिरेशन थोड़ा बहुत लेता हूँ. एंड बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव ऑल बीन टू कॉलेजेस एंड वी नो व्हाट वी लाइक. सो हम जहाँ हैंग आउट करते हैं, हम जिस तरह से मस्ती करते हैं, वो सारी चीजें आई ट्राई टू पुट इनटू माय सॉन्ग्स, सो आई कैन रिलेट टू इट बेटर.
बिल्कुल सर, आर्टिस्ट जनरल पब्लिक को ही देख के जो करता है उसी के हिसाब से ही बाकी सारी पब्लिक आम जनता वही है सर। सर और जनरल लोगों की, हस्बैंड लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनकी वाइफ बोलती है कि हस्बैंड रोमांटिक नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता सर मैम बोलती होंगी क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे गाने गा देते होंगे और मैम कभी कंप्लेन नहीं करती होंगी। नहीं, बहुत कंप्लेन करती हैं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हस्बैंड हस्बैंड ही होता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो ना हो। मेरी वाइफ की कंप्लेन ये है कि आप सारी सारा रोमांस अपना गानों में निकाल देते हो, उसके बाद बचता ही कुछ नहीं है, तो सर, वैसा है। सर जावेद साहब की वाइफ भी सेम बोलती है कई इंटरव्यूज में उनके, सेम ही है कि मैम यही बोल रही है करके और वही शायद आपकी कंप्लेन है करके और मैम की कंप्लेन है। सर जब आपने सबसे पहली बार गिटार पकड़ा था, इवन मैंने कई इंटरव्यू में देखा कि MBBS के टाइम पे जब आपने पहली बार गिटार पकड़ा तो गिटार पकड़ते ही आप अपनी हॉबी, अपने इस चीज को अपने ऊपर हावी होते हुए देख रहे थे और उसके बाद भी आपने MBBS पे और MD पे कैसे फोकस किया, क्योंकि उसके लिए भी तो बहुत सारा फोकस चाहिए था और ये सारी चीजें आपके ऊपर हावी कंटिन्यूसली हो रही होंगी करके कि मतलब, क्योंकि जो दिल से चाहता है इंसान तो वो ज्यादा चीज करना चाहता है, बट मेडिसिन ऑल्सो नीड फोकस। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो आई हैड टू लाइक डिवाइड मैनेज माई टाइम दोनों चीज़ों के लिए, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग द गिटार तो मुझे लग रहा था कि ये मेरा पैशन है, सॉर्ट ऑफ लाइक आई रियली वांट टू डू दिस। और इनफैक्ट मेरा बहुत सारा टाइम म्यूजिक मेकिंग में जा रहा था, मेरे कुछ लेक्चर्स बंक भी किए मैंने इस चक्कर में। और बट ठीक है, एग्जाम टाइम में हम पढ़ लेते थे एंड वी यूज टू कैच अप विद द स्टडीज जितना भी हो सकता था, एंड फेल तो नहीं हुआ मैं, हो ही गया। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने कॉलेज में म्यूजिक सीखना शुरू किया, yes. जैसे कहते हैं कि हमारे देश में म्यूजिक एक साधना की तरह है, तो पर्टिकुलर फेज होना चाहिए कि तब से सीखना चाहिए, या आपको लगता है कि मैं अगर बचपन से सीख रहा होता तो मतलब कुछ और ही बात होती या कुछ और आप बहुत जल्दी कुछ कर पाते, ऐसा कुछ आपको लगता है? आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स पर से, ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा लगता है कि पहले कर लेना चाहिए था, बिकॉज वो म्यूजिक नहीं सीखा, कुछ एक्सपीरियंस और सीखा है, सो वैसा कुछ नहीं है। बट आई थिंक अगर किसी को पता चल जाता है कि मुझे ये करना है लाइफ में, देन इट इज आई मीन यू शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड यू शुड स्टार्ट लर्निंग एज मच एज यू कैन। आई थिंक इट्स इनहेरेंट आल्सो, इजंट इट? हाँ, थोड़ा बहुत यू कैन से कि थोड़ा जीन्स में होता है, लाइक माई फादर इज अ गुड सिंगर, लाइक वो भी गाते रहते हैं, तो हो सकता है वो होता ही है कि थोड़ा बहुत तो जीन्स में आता है, बट इट इज अप टू यू टू इम्प्रूव योर टैलेंट एंड यू नो बिल्ड योर स्किल। सिर्फ टैलेंट होने से कुछ नहीं होता। तो सर आप अभी ये फुल टाइम करना चाहेंगे कभी, मतलब सिंस यू हैव गॉटन सो मच ऑफ सक्सेस आफ्टर चांद बालिया, तो आप पहले तो कि किसी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने अप्रोच किया? I got a call from Amit Trivedi sir, and but अभी कुछ workout नहीं हुआ है, so hopefully we'll do something in near future. बाकी अभी मैं full time ही कर रहा हूँ music, like I have outsourced the lab part जो है मेरा, so I'm doing music full time. So we can't call it your hobby. It's not your hobby. Hobby नहीं है. Doctory hobby है sir. नहीं, डॉक्टरी हॉबी हो नहीं सकती है एक्चुअली, वो इतना सीरियस प्रोफेशन है कि उसको हॉबी की तरह नहीं कर सकते हो आप। सो जो भी कर रहा है उसको फुल टाइम ही करना पड़ता है, एंड लाइक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर्स। सर आपने बताया करके कि क्लासेस भी बंक करनी पड़ी और सब, तो सर मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसी सक्सेस नहीं थी करके, तो शायद फैमिली वालों ने प्लस साथ वाले दोस्तों ने भी हर पॉइंट पे ये कहा होगा, अरे तू थोड़ी ना सिंगर बनेगा यार, ठीक है शौक के लिए कर ले करके, बट वो क्रिटिसिज्म जरूर आपने सहा होगा पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में, और MBBS और MD के टाइम पे तो फॉर श्योर मैं कहता हूँ करके कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं 10-15 जिनको टीज करने में सबसे ज्यादा मजा आता है करके, तो वो कुछ इंसिडेंट बता पाएंगे एंड हाउ यू ओवरकम इट, और आपने उस चीज को कैसे देखा? एक्चुअली मेरी फैमिली तो सपोर्टिव ही थी शुरू से, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसे कहा नहीं कि मत कर, सो बट देवर लाइक कि अच्छा मेडिसिन भी कर ले साथ साथ और ये भी करता रहे, छोड़ मत, बैकअप रख ले, सो मतलब बट दे डिडंट से कि हाँ म्यूजिक मत कर, इसमें कुछ इस तरह से कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं देवर नाइस इनफ टू बी सपोर्टिव, उन्होंने एटलीस्ट इतना तो नहीं कहा कि तू नहीं बन सकता,
तो बट हाँ मेरे साथ चार लोग गए थे गिटार सीखने, जिनमें से तीन ने छोड़ दिया था एक महीने बाद, तो मैं अकेला ही कंटिन्यू करता रहा था उसे. और मुझे लगता है कि जो गिटार बजाते हैं वो कॉलेज में पॉपुलर रहते हैं. हाँ मेरा कॉलेज में भी बैंड था, सॉर्ट ऑफ अ बैंड था, हम थोड़ा बहुत परफॉर्म करते रहते थे. और मेरे को कॉलेज में सिरसा के नाम से ही जाना जाता था, आदित्य के नाम से नहीं जाना जाता था. सो या वी यूज्ड टू परफॉर्म समटाइम्स. नाइस. सर मैं आपके एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें आप बोल रहे थे कि हाँ मुझे गिव अप करने का बहुत सोचता हूँ, मैं हर चार घंटे में सोचता हूँ करके कि अब मैं गिव अप कर लूँ, जबकि अब वैसा नहीं है. वो पहले जब मैं व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग द जो सक्सेस कहते हैं जिसे, सो मतलब ऑब्वियसली यू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू फील कि आप काफी यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. सो वो थॉट आता है कई बार कि यार उतना फायदा है या नहीं है, लाइक प्रोबेबली आई शुड नॉट गिव इट सो मच टाइम एंड एनर्जी. तो वो थॉट आ जाता है, बट हाँ आई नेवर स्टॉप्ड. मैंने ब्रेक लिया कभी 15 दिन नहीं बनाया म्यूजिक, बट देन आई केम बैक टू इट बिकॉज वो अल्टीमेटली इट्स इन मी. मैं उसको छोड़ता हूँ तो मैं और परेशान हो जाता हूँ, सो आई हैव टू डू इट. एक चीज और मैंने पढ़ी थी आदित्य, कि यू सेड दैट कंटेजियस, एंड ऐसा म्यूजिक जो आपके बुरे दिन को अच्छे दिन में कन्वर्ट कर दे, तो वो वाइब होनी चाहिए म्यूजिक में. सो ये चीज आपको प्रेरित करती होगी आई गेस कि आप म्यूजिक बनाते रहें. यस ऑब्वियसली यू लाइक टू सी स्माइल ऑन पीपल्स फेसेस व्हेन दे लिसन टू योर म्यूजिक. एटलीस्ट मेरा तो यही थॉट है, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट मेकिंग अ सैड सॉन्ग. मैंने अभी तक ढंग का सैड सॉन्ग बनाया नहीं है, सो आई डोंट नो क्या चक्कर क्या है. सो बट हाँ ऐसा नहीं, आई डोंट वांट टू मेक सैड सॉन्ग्स आल्सो. कभी कभी अच्छा सैड सॉन्ग सुन के भी बंदा रिलैक्स हो जाता है. सो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स. सर बी पराग मत बनना, अभी हमें हैप्पीनेस की जरूरत है. सर जैसे कि हर एक सिंगर ट्राई करता है, मतलब बहुत सारे जनों ने कई सारे शोज में अप्लाई करते हैं, तो मेरे दो सवाल है उसमें. सर आपने किसी शो में किसी चीज में इंडियन आइडल या इन सब में अप्लाई करने की कोशिश की हो, वो प्लेटफॉर्म देखने की कोशिश की हो, प्लस हर एक सिंगर के पास एक बैकग्राउंड नहीं रहता, आपके पास एक सेफ बैकग्राउंड था, तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी थी कि आप 5 साल या 8 साल जितने साल भी ट्राई कर सकते थे क्योंकि आपके पास एक सेफ बैकग्राउंड था. बट एक आम सिंगर के पास एक सेफ बैकग्राउंड नहीं रहता, प्लस मतलब ये भी नहीं रहता कि वाइफ भी डॉक्टर है करके तो वो भी एक सेफ बैकग्राउंड है करके, तो वो भी नहीं रहता, प्लस मतलब उनको तो ये प्लेटफॉर्म्स पे जाना है. उन दोनों चीजों पे आपका क्या व्यू है सर, पहले कि आपने किसी में अप्लाई किया था या? एक्चुअली आई एम नॉट, आई डोंट कंसीडर मायसेल्फ एज अ प्लेबैक सिंगर पर से, बिकॉज आई एम अ कंपोजर एंड अ सॉन्ग राइटर फर्स्ट एंड देन आई सिंग व्हाटएवर आई कंपोज. तो जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर स्पेसिफिकली फॉर सिंगर्स हु हैव अ ग्रेट वॉइस, यू नो, जिनका गला बहुत साफ है और एकदम सुर के पक्के हैं जो. सो मैं अपने आप को सिंगर बहुत बड़ा उस तरह से नहीं मानता हूँ. आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ कंपोजर एंड अ सॉन्ग राइटर. तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया किसी भी इंडियन आइडल वगैरह जैसे टाइप के प्लेटफॉर्म पे. बाकी सेफ बैकग्राउंड तो आई थिंक इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. अगर किसी को वो आप देख रहे हो आपको लग रहा है सेफ है, बट अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो मुझे सेफ फील नहीं होगा, तो वैसा सीन है आई थिंक. सर फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे उसकी बैक स्टोरी क्या है? कई जगह पे देखा था करके कि मैम ने आपको फाइनेंस किया, और मतलब वो वीडियो कैसे बनी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या था उसका पीछे का व्यू, स्टोरी क्या थी करके, और मैम को वापस पैसे मिले कि नहीं मिले? मैम के पैसे मैम को मिल जाते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं है. और मैम मिली कि नहीं मिली? चांद वालियां हैं मैम के पास पर वो मानती नहीं है, शायद उनको एक और पेयर चाहिए अभी तो. कई सारे आ जाएंगे सर. तो पहला वीडियो मैंने जो बनाया था दैट वाज लैला, वो मेरा जी म्यूजिक पे रिलीज हुआ था, इंडिपेंडेंट सॉन्ग था वो. एंड उसको अच्छा रिस्पांस आया था, बट देन उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हो गया था मेरा. देन 2019 में आई थिंक मैंने दोबारा स्टार्ट किया. ओके ओके.
सर जब आपके पास सबसे पहली बार जब चांद वालिया फेमस हो गया और बड़े लेवल का जैसे जी म्यूजिक या फिर शायद टी सीरीज पे आपका गाना आया करके सर सोनी पे, सोनी पे, तो सोनी का जब फोन आया तो तब आपको लगा करके कि हाँ अब मेरी जर्नी पूरी चेंज होने वाली है, और उसको आपने कैसे देखा और वो 2 साल के पीरियड को आपने कैसे महसूस किया कि हाँ अब थोड़ा टाइम और, अब थोड़ा टाइम और उसके बाद आपको कैसा लगा और आपकी जिंदगी में क्या चीज चेंज? सो चांदबालियां जो है 2020 में रिलीज हुआ था और उसके बाद वो थोड़ा मतलब डिसेंटली चल रहा था जो मतलब स्पॉटिफाई पे और यूट्यूब पे, तो मेरा सबसे पॉपुलर गाना वही था. सो मुझे लग रहा था कि इसमें है पोटेंशियल, शायद थोड़ा और पॉपुलर हो जाए. एंड देन इट ब्रोक आउट इन 2022 और सोनी ने मुझे कॉल किया, तो पहले तो मुझे लगा प्रैंक कॉल है कोई, तो मैंने फिर कंफर्म किया इधर उधर से भी हाँ एक्चुअल लेबल से ही कॉल आया है. तो फिर मैंने एक दो दिन में हमने जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो सब हो गया था. एंड ऑब्वियसली आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ सोनी इज़ अ बिग लेबल, मेजर लेबल है, तो एवरीबडी इज यू नो फॉर्चुनेट टू बी ऑन द लेबल. तो सर अभी जो जैसे डिजिटल स्पेस है, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इंस्टाग्राम है, स्पॉटिफाई, तो ये जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर वो अपना जो टैलेंट है वो शो. तो डू यू थिंक दैट मतलब इस तरह से आर्टिस्ट का कुछ और आप लोग कोलैबोरेशन करते हैं कि इस तरीके से जो जो टैलेंट है बाहर आ सके? आई थिंक अभी जो टाइम चल रहा है ये बहुत अच्छा टाइम है आर्टिस्ट के लिए और फॉर एनी क्रिएटर, बिकॉज देर आर सो मेनी प्लेसेज वेर यू कैन शोकेस योर टैलेंट एंड योर वर्क एंड यू डोंट नीड टू बी यू नो किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है. आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने फोन से बना के फोन से अपलोड कर सकते हो. सो इट इज़ सो ईजी राइट नाउ एंड दीज प्लेटफॉर्म्स आर एक्चुअली वेरी गुड, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड इफ यू आर डूइंग क्वालिटी वर्क एंड यू गेट योर रिटर्न ऑल्सो, तो कोई दिक्कत नहीं है आज की डेट में. And collaborations are obviously very easy. You can connect with people so easily. Yeah. So any new projects you're working upon right now? I'm working on a lot of projects right now. I think 4 or 5 projects. And mera aaj hi ek 1 minute music pe gana release hua hai Avargi ke naam se. Yeah. And I did that for Meta. And ab mere I think ek video aur aayega mera. Mera hi gana hai Man Samandar. Uska ek video humne shoot kiya tha Bombay mein. So it'll be releasing around 19th or 20th. And then I'm also working on 2 more songs. उनमें से हम एक Sony Music के साथ करेंगे. So let's see. सर फिर अब आपका belief destination luck पे बढ़ गया है या फिर अलग भी हुए करके, क्योंकि 2 साल के बाद अचानक से क्लिक होना, और मैंने कहीं सुना करके कि आपने स्टार्टिंग में तो विश्वास ही नहीं किया कि वो फेमस हुआ है या नहीं हुआ, तो मतलब उसके बाद डेस्टिनेशन या लक पे ज्यादा ट्रस्ट हो गया हो? एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा ध्यान ना दूं इन चीजों पे, बिकॉज फिर वो म्यूजिक से ध्यान हट जाता है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग म्यूजिक, बिकॉज बहुत इजी है टू गेट डिस्ट्रैक्टेड विद सक्सेस. यू नो मतलब शुरू में ऑब्वियसली आप फिर लोगों से मिलना शुरू करते हो, शोज करना शुरू करते हो, यू नो यू गो टू टॉक शोज एंड ऑल दैट, तो उसमें टाइम बहुत जाता है एंड योर जो आपका कंसंट्रेशन है वो भी थोड़ा हिल जाता है कई बार. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप अ लिटिल लो प्रोफाइल, थोड़ा सा म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ. सर आपके फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव रहे होंगे आई एम श्योर, सब वो कह मेरा बेटा अब सेलिब्रिटी है. हाँ बिल्कुल, अब वो पहले मुझे शहर में बोलते थे कि आप उनके बेटे हो, अब उनको बोलते हैं आप उनके पापा मम्मी हो, तो थोड़ा सा चेंज हो गया है. I'm sure. Sorry. That's a proud feeling for any kind. Yes, of... obviously, very very proud feeling. So proud by the children. Yeah, definitely. Sir, उन batchmates का क्या sir? उनका view कैसे change हो गया? अब वो छेड़ते होंगे करके आ रहे हैं यार. तुम तो अच्छा कर लिया करके और हम तो अभी भी practice में ही struggle कर रहे हैं और मतलब उनका. हाँ. College friends are always without filter, कुछ भी बोलते हैं उनको, और that is the beauty of it. अब वो मेरे को बहुत बोल रहे हैं कि हमें वीडियो में आना है, जल्दी बता कौन सा गाना बना रहा है जिसमें हम आएंगे. सर उससे ना बताएंगे वो कि मैं ये सिम्टम्स के ट्रीटमेंट करता हूँ, जल्दी आ जाना और फिर बालियां चलेंगे. सही है, लेट्स सी. सर तो लाइफ बिफोर चांद बालियां और आफ्टर चांद बालियां क्या चेंज देखते हैं अपने आप में भी और बाकी के एनवायरमेंट में? थोड़ा हल्का सा फील हो रहा है
इतनी मेहनत करने के बाद. हाँ तो आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस एंड द फेज जो चल रहा है. सो आई थिंक इट वॉज लॉन्ग ड्यू बिकॉज मैं काफी टाइम से गाने निकाल रहा था और आई वॉज वेटिंग कि कुछ अच्छा हो एंड वो धीरे धीरे हो ही गया एंड आई एम वेरी यू नो ग्रेटफुल एंड फील गुड. सर फिर यंगस्टर्स उन लोगों के लिए जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ प्रेशर वो फॉलो नहीं कर पाते और इन सब के लिए आपका क्या मैसेज, उन डॉक्टर्स के लिए क्या मैसेज जो फील्ड में MBBS में घुस तो जाते हैं बट फिर उसके बाद सोचते हैं कि यार मतलब ये शायद हम इसके लिए नहीं बने लेते. वैसी सेम शायद आपकी भी फीलिंग होगी कि हाँ शायद मैं बना किसी चीज के लिए था करके बट बिकॉज ऑफ माई फैमिली आई एंटर्ड एंड एंड अप हियर. तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, उन यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है जो आज के दिन में किसी ना किसी और तरीके से आर्टिस्ट बन रहे हैं या फिर कोई और फील्ड में जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है सर? आई फील अगर आप रियली पैशनेट हो कुछ करने के लिए एंड यू रियली फील कि उसमें पोटेंशियल है तो यू शुड ट्रस्ट योर कन्विक्शन योर इंस्टिंक्ट्स एंड नॉट स्टॉप डूइंग इट. मतलब एंड इफ यू कैनॉट डू जस्टिस टू मेडिसिन, आप नहीं कर पा रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू इट. एंड बट ये नहीं एज इट्स नॉट शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ लेजीनेस कि हाँ कुछ और सेट नहीं है तो मेडिसिन में मन नहीं लग रहा तो वो भी छोड़ दो. बट आई फील कि इफ यू फील कि हाँ कुछ और चीज़ आपका में किसी और चीज़ में पैशन बहुत ज़्यादा है तो आप यू शुड कंटिन्यू इट एंड फॉलो इट एंड डू इट विद ऑल योर हार्ट. दैट्स व्हाट आई वुड से. सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर है या मतलब किस तरीके से आप एक सही एनवायरनमेंट में रहें सही करें. तो पर्सनली मैं मानती हूँ कि म्यूजिक एक बहुत लिबरेटिंग और एलिवेटिंग है. सो आपको भी ऐसा लगता है क्या कि जो कुछ इस तरह से लोग हैं जो कि स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी इन सबका दौर और इन सब से गुजर रहे हैं तो वो कहाँ तक मदद कर सकता है? आई फील म्यूजिक इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर. मैं तो म्यूजिक कंपोज करता हूँ बनाता हूँ तभी इतना अच्छा फील होता है. सो दैट इज द एक्चुअल फीलिंग दैट आई ट्राई टू यू नो ट्रांसफर टू द लिसनर. थोड़ा बिकॉज आजकल तो स्ट्रेस इज एट द पीक. आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप चाहे मेडिकल में हो चाहे नॉन मेडिकल में हो, आपके ऑफिस आ रहे हैं, यूर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, आप ऑड आवर्स पे काम कर रहे हो, आपकी डाइट हेल्दी नहीं है. सो पीपल आर नॉट हेल्दी एज सच, अ लॉट ऑफ पीपल especially in urban cities. तो music is a very good you know hobby also. अगर आप professionally नहीं भी कर रहे हो so as a hobby it's a very good thing to follow. You should learn an instrument या आप गाना गा रहे हो साथ में, karaoke भी गाते हैं लोग parties में. So everything helps, you know, इन चीज़ों से बहुत stress relief होता है. So I totally agree with you here. Okay. सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सारी चीजें आज सीखी जैसे कि डू व्हाट कीप्स यू हैप्पी दैट इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग जो आपने हमें सिखाई. स्टे ग्राउंडेड, डोंट कीप योर सेल्फ इन द बॉक्स. अगर आप भी आज के दिन में वो बॉक्स की तरह सोचते तो आज आप कोई सेम स्लाइड्स देख रहे होते और सेम पैथोलॉजी की बातें कर रहे होते. बट आई लव पैथोलॉजी, आई लव, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इट्स नॉट लाइक कि मुझे पैथोलॉजी पसंद नहीं है बट मुझे म्यूजिक ज्यादा पसंद है. अगर वो बॉक्स के अंदर देखते करके तो आज आप कोई लैब में होते. राइट, मैंने आपको उस बॉक्स के बाहर देखा. हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा. आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन डॉक्टर्स. यू सी अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स कमिटिंग सुसाइड. सो आई वुड से कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारी पढ़ाई बहुत मुश्किल है डॉक्टर्स की एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो अगर आप कहीं पे परफॉर्म नहीं भी कर पाए किसी एग्जाम में, इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. एंड अच्छा डॉक्टर सिर्फ किताबें रटने से नहीं बनता. यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक एंड यू नो सिंपैथेटिक फॉर द पेशेंट ऑल्सो. आपके पास वो फीलिंग होनी चाहिए डॉक्टर वाली. तो सिर्फ रट्टाबाजी से अच्छा डॉक्टर नहीं बनता. सो स्टे देयर एंड यू नो हैंग ऑन एंड डोंट बी स्ट्रेस्ड. और क्या सर, आप हैव पेशेंस, बी पैशनेट. आप बिल्कुल पैशनेट रहे अपने सिंगिंग को लेके और पेशेंस रखा आपने. डोंट कीप योरसेल्फ कि हमें सिर्फ यही करना है और नहीं करना करके. ये व्हाट इज बेस्ट एट योर होम. तो आपने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से ही पहली चीजें अटेम्प्ट करी. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमारे पास आएगा तब हम करेंगे, तब हम बड़े लेवल पे करेंगे. बट आपने अपने छोटे रिसोर्सेज में ही अपना बेस्ट दिया करके
ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है सीखने के लिए करके सर. थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया सर. थैंक यू सो मच. लवली टॉकिंग टू यू. हम आपको बहुत बड़ी बड़ी एल्बम्स में और मूवीज के अंदर भी देखना चाहेंगे जल्दी. विश यू गुड लक सर. थैंक यू. बात करें सर, एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसे खत्म करते करते एक कोई सा भी आपको जो सबसे पसंद हो वो गाना सिर्फ दो लाइनें सुना दीजिए. ओके, तो मैं चांद वाली सुनाता हूँ फिर आपको. ओके. देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया. Thank you. It's lovely talking to you. Thank you. Same here. Thank you.